जैसे कि आप लोगों को बोला था कि 220 को वापस लेके आएंगे, तो फाइनली 220 जो है वापस आ चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे सब लोग? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सच धच के तैयार होकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, सुबह 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 का अभी 8 बज रहा है, ठीक है। और आज जो है गाइस, जहाँ भी जा रहा हूँ ना, मैं टार्जन को लेके नहीं जाऊँगा, सरप्राइज है। शायद आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा, यहाँ पर है मेरा टार्जन। और देखो सुबह सुबह इसको जो है नींद से जगा दिया, इसको लेके निकलता है अभी फिलहाल, बहुत दिन के बाद भाई। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई 220 को लेके आओ एक बार। और गाइस राहुल भाई ड्यूक 320 को वीडियो बनाएंगे, जाके चेकआउट करना इसके। सो गाइस माइक जो है, माइक घर पे भूल गया था, जिसकी वजह से फिर से जो है मुझे घर आना पड़ा। ये देखो सुबह सुबह मुंह उठा के जो हमारे घर आके पहुंच गया। सो गाइस हम लोग एक साथ जा रहे थे, बोल दो कहां पर जा रहे हैं। हम लोग आज जा रहे महामृत्युंजय मंदिर। प्लान इनको देखो यार, कुर्ती में क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम ब्यालिक से बोला। वाह वाह वाह, फटाफट। सो गाइस अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं, एंड टाइम हो चुका है 9:30। निकलने का प्लान था 8 बजे, 9:30 बज रहे। सो गाइस यार पता नहीं कितने वर्षों के बाद जो है मैं 220 को लेके जो है एक राइड पे जा रहा हूँ। साथ में जो है संघा भी है और हमारे 3-4 दोस्त लोग भी है, सबको दिखाते हैं। एंड यार तो फिलहाल अभी गाइस हम लोग है जोराबाट में, लेकिन जो फील आ रहा है ना आज 220 को लेके राइड करते हैं, अभी तो मेरे को और 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 100 किलोमीटर हम लोग और जाना है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज 220 के साथ ये वाला राइड। आई नो गाइस बहुत ज्यादा आप लोग वेट कर रहे थे इस वाले ब्लॉग के लिए। तो गाइस जोराबाट से जो है हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, एंड ये सब लोग जा रहे हैं इस वाले राइड में। अल्लाह बचाओ। सो एक बुलेट साथ में एफजी और वो 220। आडी भाई की होबर इमान दिन बिसात ब्लॉग हत हे दिन चश्मा लगाय कोत कइसिल सब खुद ही असिल माने बेले के धंधा असिल, समझ रहे हो? So guys, अभी यहां से निकल रहे। So, आज इतने दिनों के बाद जो है 220 पे राइड करने वाले हो, कैसा फील हो रहा है? बहुत पहले राइड किया था ना। So guys, यार धूप जो है ना वो बिल्कुल सामने से आ रहा है, पीछे से आने से थोड़ा और बेटर होता वीडियो क्वालिटी में, लेकिन चलो बारिश आने से तो अच्छा ही, एटलीस्ट धूप है। कल वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा था कि आज बारिश होने वाला है, पता नहीं क्या सीन होगा। हम लोग तो रेनकोट वगैरह सब कुछ हम लोग लेके आए हैं। पर तुम सुन ना पाए, पीछे जो दो लोग था उनका कोई आता पता नहीं मिल रहा है। सो गाइस यार आगे आगे चल रहे हमारे धीराज और पायल, इन लोगों को आप लोगों ने मानस वाले राइड पे भी देखा था, तो ये लोग रहता ही है हम लोग के साथ। जब भी कोई ट्रिप वगैरह प्लान होता है ना, तो ये लोग तो रहता ही है हम लोग के साथ। हमारी बात ओए ओए ओ चुरा के नहीं, दिनों के बाद जो है ना 220 को लेके ऐसे हाईवे पे राइड करने का मतलब जो मजा आ रहा है ना ब्रो, बहुत कमाल का आ रहा है। मतलब 390 चलाते चलाते इसमें जब मैंने स्विच किया ना, तो एक अलग सा स्मूथनेस फील हो रहा है। और गाइस हम लोग 2 घंटे के अंदर जो है जाके महामृत्युंजय टेंपल जाके पहुंच जाएंगे। इतना तेज भी नहीं जा रहे, आराम आराम से हम लोग जा रहे हैं, लाइक 60-70 का स्पीड मेंटेन करके हम लोग जा रहे हैं। सब लोग डिमांड कर रहे थे कि 220 को एक बार व्लॉग में लेके आओ, राइड में लेके जाओ, और साथ में संघा को भी एक राइड पे लेके जाओ, तो दोनों ही एक साथ आज इस वाले व्लॉग में मैंने कर दिया। तो इस वाले व्लॉग में कितना लाइक्स का टारगेट रखे बोलो? 6000। हाँ 6000 लाइक्स गाइस कर देना इस वाले व्लॉग में। गुवाहाटी से जब निकला था ना, इसका टैंक पूरा खाली था, 500 रुपीज का तो इसमें पेट्रोल डाला था। अभी पता नहीं कितना का माइलेज देगा, आराम से 40 तक तो, 44-45 तो मेरे हिसाब से तो ये दे देगा। मैं ग्लव्स भी साथ में लेके आया था, लेकिन अभी तक मैंने पहना नहीं है। थोड़ा ग्लव्स पहन के चलाने से वीडियो भी देखने से अच्छा लगता है। सो गाइस यार 30-40 पता नहीं कितना किलोमीटर आ चुका हूँ, एंड इसमें भाई कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी कहो, इसमें जो हाथ है ना वो पहले वाला आज थोड़ा सा चला के भी मतलब इसमें हाथ बैठ गया। और गाइस अभी का वेदर भी जो है ना थोड़ा बहुत डाउन होने लगा है, और मैं जो है ना इस वाले रोड से बहुत ज्यादा मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, लाइक मान लो 15-20 बार तो कम से कम मैं यहाँ से ट्रैवल कर ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस रोड पे जो है ना मैं कभी भी बोर नहीं होता हूँ। बहुत बढ़िया लगता है इस वाले रोड पे बाइक चला के, बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रोड जो है
वो बम्पी रोड है। लाइक आप 120 130 के स्पीड से अगर जाओगे ना तो ये गाड़ी जो है ऐसे 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 उछलने लगता है थोड़ा बहुत। जागी रोड यहाँ से 11 किलोमीटर। ओ भाई जागी रोड भी पहुंच चुके हम लोग आके, पता ही नहीं चला यार। तो गाइस जैसे ना हम लोग जो है जागी रोड क्रॉस किया, और जब भी ये रोड लेके जाता हूँ ना मैं अपना कैमरा हर टाइम ऑन करता हूँ, बिकॉज ये सामने का व्यू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और संघा जो है मेरे साथ, अपर आसाम जो है ये फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ जा रहा है। पहले भी गया था लेकिन ट्रेन से गया था, लेकिन बाय रोड ये मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और गाइस भूलना मत, हमारे साथ आरडी भाई भी आ रहे हैं अपने रंगीला के साथ, मतलब अपने बाइक के साथ आ रहे हैं। तो आगे जाके कहीं पर रुकेंगे ना तो उनसे पूछेंगे आरडी भाई से कि एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का सफर का। और भाई यार दो दिन पहले जो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला था 220 के साथ, एक फोटो लगा के मैंने डाला था कि 220 वापस लेके आऊं, भाई 300-400 कमेंट्स आ गए उसमें विद इन 2-3 घंटे के अंदर कि हाँ भाई लेके आओ उसको, वापस लेके आओ। ये व्यू काफी मस्त लगता है ब्रो। और आज जो मैं इस टैंक बैग को अपने साथ लेके जा रहा हूँ ना, मैं हमेशा क्या करता था कि इसको जो है बंजी कॉर्ड से इसको यहाँ से बांध देता था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने जो इसका मैग्नेटिक वाला सिस्टम यूज किया। सो गाइस यार देखो असम में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर तरफ जो है अभी फ्लड का प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो जाते जाते हम लोग को इधर दिखा, इधर पूरा पानी पानी हो चुका इधर। ब्रो यहाँ फ्लड ऐसा एटू खुला एटू खुला बहुत खतरनाक अवस्था देखते हैं पानी मानु घर आसिले। सो गाइस यार अभी जो है ना हम लोग रोहा पहुंचने वाले हैं, एंड फिलहाल आदि भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का यहाँ तक? बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा, रोड भी देखने में मजा देख के आया। और फिलहाल हाँ उड़ाई थोड़ी जब पहली बार मैं लॉन्ग राइड अपना एफजी पे कर रहा हूँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सही लग रहा है एक्सपीरियंस। और रोड ऐसा बम्पी रोड, जंपिंग जपाक कर रहे। वाह ब्रो कहने का एक्सपीरियंस। सो गाइस संघ ने जो है यहाँ पे एक लोकल अंकल से पता किया अंदर जो है फोटोशूट के लिए, हाँ फोटो खींचने का बहुत बढ़िया जगह है। तो आएंगे तो पूरा लेट नहीं हो जाए, पूरा तो लेट चलता है। चलो बांध पानी देखने को मिलेगा, देखो कितना तक पानी। वाह अभी जहाँ पर अभी हम लोग आके पहुंचे ना, देखो ना पानी यहाँ तक के पहुंच चुका है। और यहाँ पर लोगों ने अपना घर का वॉल वगैरह ये सब देके रखा था, और आगे एक फैक्ट्री देख रहा था जो कि है पूरा डूब चुका है। इधर देखो अलग से हाँ फिलहाल हाँ भाई यार इस तरफ जगह जगह पर जो है फ्लड देखने को मिल रहा है। और हम लोग जस्ट अभी कोपिली क्रॉस किया है हम लोग। ओके तो कैसे यहाँ से रोहा है 19 किलोमीटर। এইবিলাক সব কি হাতে দিয়ে বনায় নেকি? এইবিলাক বাহ চাও এটা বস্তু, এইটো এইটো চোৱা, এইটো আপোনাৰ বাঁহে দি বনায় ন? তো ইস্কো জো গাইজ বাঁহ কাট কে জো হে ইস্কো এসে বনায় গিয়া হে। ক্রিয়েটিভিটি দেখা, গণেশ জি কো এসে ইয়াহাঁ পে বনা কে রখা হে। তুমি কি লোবা? গুগল পে না হয় তো এ মুতত কে এসে কাপ লোবা নেকা? ইয়াহাঁ সে হাম লোগ আবি নারিয়েল পিয়েঙ্গে আবি ফিলহাল। ताजा ताजा नारियल गाइस। सो गाइस अभी जो यहाँ से 30 किलोमीटर रह गए नौगांव, और वहाँ से आगे 6 किलोमीटर और शायद अंदर की तरफ हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो 36 किलोमीटर के आसपास है। और आधा घंटा तो लग जाएगा शायद यहाँ से पहुँचते पहुँचते। सो गाइस यार हम लोग नौगांव बाईपास जो है क्रॉस करके आगे आ चुके हैं, और फिलहाल अभी यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास तो होगा की होल। और संघा ने किसी को पूछा था यहाँ पर सामने कि महामृत्युंजय टेम्पल कितना किलोमीटर है, कितना बोला? 50। वो शायद बोला 5, तुम सुन लिया 50। उसको भी नहीं मालूम है शायद। सो गाइस फाइनली हम लोग आके पहुंच चुके हैं महामृत्युंजय टेम्पल, लेकिन एक दिक्कत हो गया, आरडी भाई जो है ना आरडी भाई कहीं खो गया। अभी उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसको लाइव लोकेशन वगैरह देंगे अभी फिलहाल। सो गाइस हम लोग अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं, एंड मैं यहाँ पर लास्ट टाइम आया था। ओहो क्या रोड है। हे गाइस वी आर इन महामृत्युंजय टेंपल। ओह भाई सो गाइस यार अभी हम लोग मंदिर आके पहुंच चुके हैं, एंड यहां से जो है ना अभी फिलहाल ये पूजा का सामान वगैरह हम लोग ले रहे हैं, और बाइक्स वगैरह जो है यहां पर ही हम लोग पार्क करके जा रहे हैं। इधर हेलमेट वगैरह सब कुछ हम लोग यहां पर ही रख के जा रहे हैं। देखो तो गाइस यार हम लोग मंदिर आके पहुंच चुके हैं। एक्चुअल में जो शिवलिंग का साइज है ये सामने आके पता चल रहा है, देखो कितना ज्यादा बड़ा है, इसके ऊपर भी है। तो गाइस यहाँ से देखो कितना ज्यादा ह्यूज लगता है, देखो। ओ जय महादेव। अब तो आ रहा सदा सार ही बारा करना अहंकार बार बार देना सार। संघा ट्राई कर रहा है 220 उठाओ बारिशा। सो गाइस रिटर्न आते टाइम हम लोगों ने यहाँ पे अपना लंच किया पीएमबी ढाबा में। अभी कहीं रुकना नहीं है, सीधा जाना है घर, घर पे जाना है ना।
खाना मस्त था, खाना भाई यहाँ पर मस्त था। बोला ओ ब्रो ब्रो, बोला इसको ना, बोला अब तो मेरे को राइडिंग का सबसे बेस्ट टाइम जो है ना ये टाइम लगता है 4 बजे के बाद, जब सूरज ढलता रहता है, जो कलर्स आता है ना इधर से, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, बिल्कुल कूल वेदर रहता है। और गाइस अभी फिलहाल हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ से जा रहे हैं गुवाहाटी की तरफ। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, आगे भी 220 को लेके हम लोग ऐसे लॉन्ग राइड करते रहेंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो ये वाला व्लॉग लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड एज ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड ऑलवेज राइड सेफ। तो चलो गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय। हम दूर भागे तेरे बिना, गाए हम से नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी ना चाहे, करे जो मन मानिए मन ना माने।